तो क्या हाल है भिडू? तो भाई नई मूवी का ट्रेलर आया है, कूली नंबर वन। ये एक ऐसी मूवी है जो कि एक बॉलीवुड मूवी का ही रीमेक है। आपको मुझसे मिलकर खुशी हो सकती है, मगर मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या है? ओ एक सेकंड, ओरिजिनल मूवी भी एक रीमेक ही है, तमिल मूवी का, मतलब कुछ भी। अब बच्चा घर पे वेला बैठा है तो बाप तो कुछ करेगा ही ना। तो भैया चलो देखते हैं कितना हगा इन्होंने इस ट्रेलर में। मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिची रिच हस्बैंड दिया है। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट बुर्ज खलीफा इसका है। भैया ये सुनने के बाद ना दुबई के शेख का संदेश आया है। गांड ना खुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। हाँ हाँ, ट्रंप तो इनके चाचा लगे हैं बेंच। वाह, नहीं वाह, क्या एक्टिंग है। एटीएम का फोन है। एटीएम सर? अंबानी, ट्रंप, मोदी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। भाई ये क्या है? ये तो टट्टी है। मैं सही बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ना हमारे दीपक कलाल भाई हंसा लेते हैं। तो कौन सा रूप आपको दीपक का पसंद है, ये सेक्सी वाला रूप या फिर ये मर्दानी अंदाज? सीधी सी बात है यार, मूवी का ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है लीड एक्ट्रेस को छोड़ के बाकी सब कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ जी, परेश रावल है, जावेद जाफरी है, और कौन कौन है, मजाक कर रहा हूँ, राजपाल यादव है, जॉनी लीवर है। भाई साहब इनकी कॉमेडी देख के तो बहुत मजा आने वाला है। अरे वरुण और सारा क्या कर रहे हैं भाई? भाई अब तुम कह रहे होगे यार ये तो हर एक चीज के पीछे ही पड़ जाता है, चलो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लेकर चलता हूँ। लोगों ने जो कमेंट्स किए ना, दिल जीत लिया है। मतलब जैसा ट्रेलर वैसा ही रिएक्शन आ रहा है। जरा पहला कमेंट देखो, आरुष यादव का, कह रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर माय रिएक्शन, ये तो टट्टी है। भैया इस चीज पे तो मेरा ध्यान भी नहीं गया जहां पे कार्तिक भैया का ध्यान गया है कि भाई ट्रेलर के लाइक्स और डिसलाइक तो छुपाई दिए। अब पता है भैया हम हगने वाले हैं तो लाइक्स और डिसलाइक को यहाँ पे छुपा देना चाहिए। सौरभ को तो गोविंदा का क्रेड ऐप का एड भी ज्यादा अच्छा लगा। ओ भाई भाई इतना नहीं है, अगर तुम इनके कमेंट सेक्शन को देखोगे तो लोगों ने भर के गालियां लिखी है। काम ही कुछ ऐसा कर रहे हो यार, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है तो रीमेक बनाते जाओ, और रीमेक भी किसका, मतलब गोविंदा की मूवी का। और ये मूवी वन ऑफ द अल्टीमेट मूवीज थी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज थी, और इन्होंने हक दिया। तो भाई आज के लिए इतना ही, ट्रेलर नहीं हग दिया है, देखते हैं मूवी कितना ज्यादा हगेगी और देखते हैं लोगों के रिएक्शन क्या क्या निकल कर आते हैं। अच्छा थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके ना शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। सारा मैडम सब्सक्राइब करके नहीं जाने वाली है, करके जाओ।